तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका ए के नाइट्स के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। मतलब नॉर्मल फ़ोन भी है मार्केट में, जैसे जो 5,000 के, जैसे जैसे MI के हैं, और कुछ महंगे फ़ोन्स भी हैं लाइक वन प्लस एंड ऑल, जैसे सैमसंग है कि वो सस्ते फ़ोन भी बनाते हैं और महंगे फ़ोन भी बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि कभी एप्पल ने सस्ते फ़ोन बनाए ही नहीं। मतलब वो एक हमेशा अपर केस में रहा है सैमसंग। मतलब उसके फ़ोन स्टार्टिंग होते 30,000 40,000, तो आखिर इसका रीज़न क्या है। बाकी सारे फ़ोन अपना, हर फ़ोन अपना सेट अलग मिडल बजट के हिसाब से, लोअर बजट के हिसाब से, हाई बजट के हिसाब से निकलता है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स। लेकिन एप्पल हमेशा अपने नीड के हिसाब से फ़ोन निकलता है, महंगे फ़ोन कभी उसने अपने फ़ोन के दाम सस्ते नहीं किए। तो आइए जानते हैं कुछ इसी रीजंस के बारे में कि आखिर में एप्पल के फ़ोन इतने महंगे क्यों होते हैं। एप्पल प्रोडक्ट के महंगा होने का सबसे पहला रीज़न ये है कि भाई वो एप्पल है, वो महंगा ही रहता है, वो कभी सस्ता नहीं हो सकता। ये तो मजाक था। एप्पल का प्रोडक्ट महंगा होने का रीज़न ये हो सकता है कि देखिए, इकोनॉमिक्स में टर्म है गिव एंड पैराडॉक्स, और उसका मतलब होता है द हायर द प्राइस द हायर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा दाम दे रहे हैं तो उसका क्वालिटी भी उतना अच्छा होगा। मतलब वो जितना ज़्यादा दाम देंगे उसको उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा, बट लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता हर जगह। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आप जितना दाम दे रहे हो उसके वर्थ में आपको वो सामान नहीं मिला। लेकिन एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, अगर कुछ महंगा खरीदे हैं तो वो 100% सर्टेनिटी के वो अच्छा ही होगा। लेकिन क्या हमेशा जरूरी नहीं कि ये चीज़ सही निकले। लेकिन हाँ, एप्पल के मामले में ये है कि अगर एप्पल ज़्यादा प्राइस के अपने फ़ोन लॉन्च करता है तो हाँ, वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा जितना उसका प्राइस हो उतना वो वर्थ करे, उसका उतना हो सके। मतलब कि 30,000 का फ़ोन है, अगर हम और कि 20,000 का फ़ोन से कंपेयर करें तो हाँ, दोनों में है 30,000 का फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो दे रहे हैं उसके लिए वो 30,000 प्राइस देना चाहिए। तो हाँ, एप्पल महंगा है, और इसका एक रीज़न है कि लोग यही समझते हैं कि अगर हम महंगा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा रीज़न ये है एप्पल का महंगा होने का कि देखो, एप्पल हमेशा महंगा, मतलब शुरू से अपने दाम बहुत हाई रखा, मतलब फॉर हायर क्लास ऑफ पीपल, मतलब अमीरों के लिए। जैसे बोलते अमीरों का प्रोडक्ट एप्पल, तो अगर समझिए हम अपने कई ग्रुप में है, ये मतलब एप्पल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल गेम खेला हम लोग के साथ। समझिए कोई 4 दोस्त है, और अगर उस एक दोस्त के साथ एप्पल का फ़ोन है, सबको पता है कि एप्पल का फ़ोन हमेशा महंगा आता है, उसका दाम कभी सस्ता नहीं होता। तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार, ये एप्पल का फ़ोन यूज़ का मतलब ज़्यादा पैसे वाला, इसका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आज आप मेरे पास एप्पल का आईफोन नहीं, हम क्या सोचते हैं आज हम भी पैसे कमाएंगे तो हम एक एप्पल का आईफोन खरीदेंगे। क्यों? मतलब एक ब्रांड हुआ है, एक एप्पल एक ब्रांड बन चुकी है। हाँ भैया, जो एप्पल लेगा वो पैसे वाला है, भले आप आपको वो कैसा भी हो, उसका वो कैसे भी एप्पल का फ़ोन होगा। लेकिन अगर कोई दस्ता पे चल रहा है उसके साथ एप्पल का फ़ोन है, तो हाँ, मतलब आप यही सोचेंगे हाँ यार, ये तो बहुत पैसा वाला है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि एप्पल कभी अपना दाम कम किए ही नहीं, वो हमेशा अमीरों के लिए बनाया है। तो वो सोचे तो हम लोग क्या सोच, अमीरों के लिए बनाया है तो लेने वाला भी अमीर ही होगा। तो एक इफेक्ट होता है कि हाँ भैया, कोई 50,000 60,000, अभी तो 1,00,000 तक का फ़ोन आ चुका है। XR मैक्स जो फ़ोन निकला है वो 1.5 से 1.5 लाख रुपये का फ़ोन है। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि अब कोई 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो अपने दाम नहीं घटा है, तो अब कोई आप देखेंगे हाथ में तो आप पहले सुना ये कितना पैसे वाला बंदा है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मतलब लोग ये अपना पहचान बना ले कि हम आईफोन ले, मतलब हम पैसे वाले हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आईफोन महंगा अपना इसलिए कभी दाम नहीं रहता, आईफोन इतना महंगा रहता है हमेशा। और तीसरा रीज़न एप्पल का महंगा होने का ये हो सकता है कि एप्पल हमेशा कुछ इनोवेटिव करते रहता है, जैसा कि उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही हमेशा फोकस करके रखा है। और एप्पल में एक अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो हमेशा नए नए फीचर्स खोजती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि टच स्क्रीन फ़ोन सबसे पहले एप्पल ने इन्वेंट किए थे इन द ईयर 2007 29 जून, और फिर उसके बाद HTC ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च किया था इन द ईयर 2009। सो मतलब कि एप्पल कभी किसी को कॉपी नहीं करता था, वो हमेशा कुछ अपना इनोवेटिव करता था। जैसा कि आपको पता है कि जो बटन वाला टच स्क्रीन अनलॉक है, फिंगरप्रिंट वाला, वो भी सबसे पहले एप्पल ने लाया था। और उसके बाद जो अभी न्यू पैटर्न आया है आईफोन एक्स के अंदर फुल स्क्रीन वाला, जिसको नॉच डिस्प्ले बोलते हैं, वो भी एप्पल ने ही खोजा था अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम की मदद से। तो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एप्पल बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने का सोचता है, और जो बाकी कंपनी वो उस पर इतना खर्चा नहीं करती और एप्पल को देख के वो कॉपी करती है। मैं आपको नाम नहीं बोलना चाहूँगा किस कंपनी का, लेकिन आपको आप सबको पता है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने एप्पल को कॉपी किया था, चाहे वो फिंगरप्रिंट अनलॉक हो या नॉच डिस्प्ले हो या टच स्क्रीन हो। तो ये बात आपको पता है। और एक और इसके साथ रीज़न ये है कि एप्पल हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मतलब जैसे नॉर्मल अगर कोई, तो जरूरी नहीं कि उसका सैलरी उतना उतना हाई हो, वो एक नॉर्मल 10-20 हज़ार का हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़। लेकिन इसके साइमेंटेनसली अगर कोई एप्पल में काम करता है तो उस स्टाफ को बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है और अलग फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे मेडिक्लेम, PF एंड ऑल।
तो एक ये चीज़ है कि आखिर ये सब का कॉस्ट निकलेगा कहाँ से? वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, जो इनोवेटिव हमेशा करने का सोचता है कुछ नया फीचर लाने के लिए, और अपने स्टाफ्स को जो इतना अच्छा सैलरी देता है, और जो एप्पल के ऑफिस होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब देख के आप दंग रह जाएंगे। और बाकी कंपनीज को इतने कुछ खास नहीं होते, हाँ अच्छे होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू एप्पल जितने अच्छे नहीं होते हैं, कि उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है यानी स्टाफ को जो सैलरी मिलती है, PF है, जो उसका बिल्डिंग और ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब तो आखिर जो एप्पल ये सब खर्चा कर रहा है तो इसकी कॉस्ट निकलेगी कहाँ से? इसकी कॉस्ट तो हमको और आपको ही देना होगा ना, जो परचेज करेगा। तो ये सब एक रीज़न है कि आपका रिसर्च इनोवेशन स्टाफ्स और जो अपने सैलरी मैनेजर को देता है और जो उसका इतना अच्छा ऑफिस है, तो ये सब सारे खर्चे वो निकालेगा कहाँ से? इसलिए वो शायद एप्पल इतना महंगा लगता है हमें। और महंगा की बात नहीं, ठीक है वो इनोवेशन भी करता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा है, तो उसके प्रोडक्ट्स का लास्टिंग भी करता है, तो हाँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो देता है तो दाम ज़्यादा लेता है, लेकिन हाँ ठीक है वो फीचर्स देता है और आफ्टर ऑल वो ब्रांड बन चुका है, तो अब ये मैटर नहीं करता कि हमको कितना महंगा पड़े, या हम जितना 1.5 लाख रुपया दे तो उस 1.5 लाख का भले हमको फीचर नहीं, हमको 1 लाख का फीचर मिल रहा है उसके अंदर, लेकिन वो 50,000 रुपया जो आगे है ना वो उसका इतना साल का गुडविल जा रहा है। तो यही कुछ रीज़न है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हाँ एप्पल इतना एक्सपेंसिव है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।